तो नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके जो एग्ज़ाम है इंग्लिश का, वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या आपको एग्ज़ाम सेंटर में बैठने के बाद करना है, क्या नहीं करना है। पूरा डिटेल में कुछ भी नोट नहीं किया हूँ मैं, देख सकते हो पिछली जो वीडियो बनाई थी वो का वही नोट है। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस, जो अपना अनुभव जो है वो शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, जो खुद मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में करता था, है ना। तो देखिए, सबसे पहला बात कि आपको जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें सबसे पहले आपको आधा घंटे पहले से ही पहुंच जाना है आपके रूम में और बैठ जाना है अच्छे से। और क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ अपने जो मन है इसको एक जगह स्थिर रखना है। कुछ भी विचार या थॉट्स अपने माइंड में नहीं आने देना है। सिर्फ और सिर्फ आपकी नज़रें एक जगह टिका लेनी है, वहीं पर बैठ कर के आप जब 10 या 15 मिनट भी अपने इस मन को जब एकाग्रचित कर लोगे ना, उसके बाद जब पेपर आएगा तो आपका पूरा फोकस पेपर में चला जाएगा। मायने आपको ना तो ये लगता है कि आपने जो पढ़ा है, क्या आपने आज पढ़ रहे हो, नहीं, मायने ये लगेगा कि आप उसमें क्या लिख देते हो, क्या नहीं लिख देते हो। वैसे तो परीक्षा के लिए मायने लगता है, ये आपकी ज़िंदगी के लिए भी नहीं लगता। ज़िंदगी के लिए तो सिर्फ आपको ये मायने लगता है कि आपने क्या अचीव किया है या आपने क्या याद रखा है, बस। और कुछ पेपर में लिखा है कुछ, ये कुछ मायने नहीं लगता, ठीक है ना। तो हमारे फर्स्ट जो बात है, जो पहली बात है, वो तो यही है कि आपको अपने मन को एकाग्रचित रखना है। उसके बाद एक दूसरी बात है, आप बिल्कुल पेपर आने के बाद बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर को भी नहीं पढ़ पेपर नहीं पढ़ना है। सबसे पहले कॉपी आएगी तो आपको कॉपी में अपना नाम वगैरह जो भी डिटेल्स है वो सारी वहाँ पर फिल कर देना है। जैसे कि नाम हो गया, है ना, पिता का नाम हो गया, स्कूल, फिर परीक्षा का चयन, फिर उसके बाद 2021-22, है ना, ईयर्स, उसके बाद बहुत सारे, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपके पास पेपर आएगा आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉपी जो है इसको कंप्लीट करना है, पूरी लाइन वाइन वगैरह सारा कुछ खींच करके। अब देखिए मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, लाइन वाइन खींचना जो है पूरा इस आपकी जो कॉपी होती है ना, कॉपी, देखिए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा फटाफट से, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इसको, इसलिए जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, आपकी जो कॉपी होती है ना, कॉपी किस प्रकार से होती है, कॉपी आपकी होती है इस प्रकार से, है ना, ये एक इधर, है ना। तो आपको क्या करना है, इधर ऊपर तो लाइन खींची हुई होती है ना, दोनों, ये दो पेज है ना, एक पेज इधर का, एक पेज इधर का, दिख रहा है ना आपको अच्छे से, ओके। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इधर भी लाइन खींचना है, ठीक है, अच्छे से स्केल की सहायता से, ठीक है, एक इधर भी खींच लेना है, ओके। अब आपको क्या करना है, पूरा का पूरा आपको इधर लिखना है। और देखिए जो भी लिखते हैं ना आप, जैसे कि क्वेश्चन क्रमांक 6, है ना, या सेक्शन ए, तो उस प्रकार से जो यहाँ पर 66, इस प्रकार से 66, और यहाँ पर 99, कुछ इस प्रकार से ये भी लिख दे और नीचे लाइन खींच दे बस, इस तो इससे क्या इंप्रेशन अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको इसी पेज में भी इस प्रकार, सभी पेज में इस प्रकार से करना है। और इधर जो इधर और इधर कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये जो मार्क्स के लिए होता है, ये टीचर के लिए होता है सारा काम, ठीक है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जब पेपर आएगा, पेपर आएगा तो आपको क्या करना है, पेपर को अच्छे से पढ़ना है, ध्यानपूर्वक 15 या 20 मिनट या आधा घंटा आपको सिर्फ और सिर्फ पेसेज पढ़ने पर ध्यान देना है। और पेसेज के आपको क्या लगा लेना है, आंसर पेपर में टिक लगा लेना है, हाँ भाई ये आंसर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे पहले पैसेज का जो आंसर वो लिख देना है, पैसेज पैसेज क्वेश्चन क्रमांक एक का, ए का ये, बी का ये, सी का ये, इस प्रकार से। उसके बाद पैसेज, दूसरा पैसेज, है ना, उसके बाद तीसरा, तीसरा तो रहता ही नहीं भाई, दो ही पैसेज आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो चीज़ आपको आती जा रही है, जो चीज़ आपसे बन रही है, जो चीज़ आपसे सोल्व हो रही है, उसको सबसे पहले सोल्व कीजिए, चाहे वो क्वेश्चन क्रमांक 10 हो, चाहे वो क्वेश्चन क्रमांक 13 हो, चाहे कौन सा भी हो, उसको ही लिख दे बोले पहले, फिर जो आपसे बन रहा है उसको ही कर दे, ठीक है। और हल्के में मत लेना आप इस परीक्षा को, हो सकता है कोरोना कोविड अगर फिर से आ जाए तो पूरा आपको जो रिजल्ट है वो पूरा इसी एग्ज़ाम के आधार पर बन सकता है, रेडी हो सकता है, ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए आपको आगे क्या करना है,
आपको आगे ये करना है, जब आपका पेपर सोल्व हो जाए पूरा, तो आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी में पेपर नहीं देना है। आपको क्या करना है, आपको जितना समय हो सके फिर से एक बार अपनी कॉपी में चेक कर ले कि कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, और जो छूट गया है, जिसका आंसर हमें नहीं आ रहा है, उसका भी टीपा पट्टी मत करें बिल्कुल भी, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करें, चाहे गलत ही लिखे परंतु लिखने की कोशिश अवश्य करें, बस इतनी सी बात है। और ज़्यादा समय आप अभी मत दीजिए इस पर यूट्यूब पर। आप क्या करें, अब आपने जो जो पढ़ा, चाहे एप्लीकेशन, चाहे निबंध, चाहे एजी, है ना, एजी फिल इन द बैंक्स, या जो भी पढ़ा है गाइडलाइंस, पिक्चर गाइडलाइंस, जो भी है, उसका सभी का रिवाइज कर ले, बस रिवाइज। अब रिवाइज का समय है आपके पास, या आप चाहे तो आज याद कर ले, उसके बाद कल आपकी 12 से 12 पर आपको अपने स्कूल में अपने रूम में पहुंचना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप चाहे तो 4 बजे उठ करके आप जो है आराम से 4 से 10 6 घंटा, वो 6-7 घंटे तक आप अच्छे से अपनी जो फिर से कल भी जो है आप तैयारी कर सकते हो। अभी बहुत सारे आपके पास टाइम है ना, करेपन आपके पास 25 से 26 घंटे है ना 25-26 घंटे होंगे। तो वीडियो किसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, एंड कमेंट ज़रूर करें।